मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। तो ये अंडा और ऑटमील के बाइट्स बना रही हूँ। ठीक है, ये देखो, 2 स्पून जो है मैंने ऑटमील के लिए, ये नॉर्मल जो मीडियम स्पून होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं, आप कोई भी वेजीज डाल सकते हो। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन मिर्ची और ये थोड़े से कैरेट्स, बिल्कुल थोड़े हैं क्योंकि एक अंडा मैं बना रही हूँ अपने लिए। और ये एक वो ग्रीन पेपर है जिसको कैप्सिकम बोलते हैं, बिल्कुल पतले पतले। और ये धनिया, ठीक है, ये सब इसके अंदर, ये और 2 ये जो स्पून मैंने आपको बताया ऑटमील के, तो पहले ये सब इसके अंदर डालेंगे। ऑटमील में इसको मिक्स करेंगे पहले। इसको मिक्स करेंगे और सॉल्टेड पेपर डालेंगे। आपको अगर चाहिए, अच्छा लगता है तो लोग जो है वो लहसुन और अदरक पीसी हुई होती है घर में, तो वो भी डालते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं इसमें धनिया और रेड चिल्ली वो भी डालते हैं। तो मैं क्योंकि रेड चिल्ली नहीं खाती ज़्यादा, तो हम लोग जो है वो ज़्यादा ये ब्लैक पेपर और ग्रीन मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्लैक पेपर जाएंगे और ये सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अभी इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं जस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो पानी का डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें अंडा डाल के मिक्स करेंगे। अगर आप इसको 2 या 3 अंडे का बनाना हो तो उसके हिसाब से आप वेजीज ज़्यादा करना, क्योंकि मैंने वेजीज इसलिए कम डाली है कि मैं जस्ट वन एक बना रही हूँ। ठीक है, चूल्हा गर्म है, इसको फ्राई करेंगे। मैं क्यों, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हो और इसको ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑटमील है, तो आप बगैर किसी ब्रेड और रोटी और चपाती के खा सकते हो। लेकिन क्योंकि आज मैं जो है वो क्रेकर के साथ खाऊंगी, क्रेकर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसके स्मॉल स्मॉल बाइट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तो आपको पता है कि थोड़े ऑयल में कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल में जो है वो इसको फ्राई करूँ। जितना पॉसिबल हो हर चीज़ में कम से कम ऑयल डालें। मैंने आपको बताया मैं क्रेकर के साथ खाऊंगी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे इसके डिफरेंट पोर्शन बना रही हूँ। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, पूरा एक भी बना सकते हो। तो 6 बने हैं एक अंडे में से। ठीक है, अभी इसको 1 मिनट के लिए ढकना दे देंगे। चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। अभी इसको 1 मिनट हो गया है, इसको उलट करेंगे। ये देखो परफेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 आध मिनट में अंडा तो बन जाता है फटाफट, इसे बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। आप इसके साथ इसमें जो भी वेजीज आपके घर पे अवेलेबल हो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये वेजीज तो बहुत हेल्दी हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो और इसको रोटी के साथ खा सकते हो, आप इसको चपाती के साथ खा सकते हो। ये तैयार है। ये देखें, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी, जबरदस्त। आप इसको क्रेकर नहीं इस्तेमाल करना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, मैंने आपको बोला, आपको बताया मैंने, तो ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल ये 5 मिनट में बन जाते हैं, बिल्कुल 5 मिनट लिटरली। सैटरडे संडे को बहुत मज़ा आता है आराम से बैठ के खाने का। ठीक है,
इवन ये आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हो क्रेकर, अगर आपके घर पे है, छुट्टी का दिन है तो ये बहुत खाने में, कभी कभी बच्चे तंग करते हैं नहीं खाते, तो आप ऐसा बाइट्स छोटे छोटे बना के दो तो वो बहुत शौक से खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको ऐसा होगा कि ये समथिंग इज़ डिफरेंट, राइट, कुछ डिफरेंट चीज़ है, तो वो बहुत शौक से खाते हैं फिर।